हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं IRFC के बारे में। कंटिन्यूअसली दोस्तों यहां पर 3 दिनों से हमें एक अच्छी खासी अपसाइड देखने के लिए मिल रही है। क्या है इसके पीछे का असल कारण, ये हम जानेंगे। और साथ ही में अभी हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि IRFC का जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली हमें डाउन जाता हुआ नजर आया इसकी लिस्टिंग के बाद में। और बहुत से लोगों ने दोस्तों मुझे कमेंट किए कि क्या अभी हमें यहाँ पर करना चाहिए। 26 रुपए में इसकी लिस्टिंग हुई है और डाउन आते आते दोस्तों ये 21 रुपए के प्राइस तक चला गया था। तो फाइनली क्या करना चाहिए, और मैंने आपको उस टाइम पे दोस्तों बोला था कि एटलीस्ट आपको क्वार्टर 4 के रिजल्ट का वेट करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आपको पेंडेमिक, ये जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है इसके खत्म होने का भी वेट करना चाहिए। केवल ये 2 चीजों का अगर आप वेट कर लेंगे देन डेफिनेटली दोस्तों आपको निराशा नहीं होने वाली, यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न दिखने के लिए मिलने वाला है। अब बात ये आती है कि अभी के टाइम पर अगर हम इसका चार्ट देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी दोस्तों हमें दिखाई देती है। अगर आप नजर डालेंगे देखिए तकरीबन 21 रुपए 14 पैसे के आसपास से अभी ये स्टॉक जो है 23 रुपए 40 पैसे में दोस्तों ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्यों ये तेजी हमें देखने के लिए मिल रही है, अभी इसके पीछे दोस्तों कारण क्या है। देखिए हम सभी जानते हैं कि अभी Q4 के रिजल्ट आना चालू हो चुके हैं सारी कंपनीज के, एंड डेफिनेटली IRFC के भी Q4 के रिजल्ट अभी आने वाले हैं। क्या डेट है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों अगर मैं आपको BSE की साइट पर लेकर चलूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अनाउंसमेंट के सेक्शन में 12 तारीख मतलब कल के दिन की ही एक अपडेट आई है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक PDF आपके सामने आ जाएगा। ये PDF का जो साइन है इस पर आप क्लिक कीजिए दोस्तों, आपके सामने जो है एक PDF ओपन हो जाने वाली है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकी जो बोर्ड मीटिंग है, ये देखिए आप, इनकी जो बोर्ड मीटिंग है वो वेडनेसडे 19 मई को होने वाली है। और कहीं ना कहीं ये जो बातें होती है ना वो अंदर वाले जो अंदर के जो लोग होते हैं उनको पता होती है और वहीं से दोस्तों ये बातें बाहर निकल जाती है। और मैं आपको और बता दूं एक चीज कि इसके रिजल्ट भी देखना अच्छे ही आने वाले हैं, और ये चीज इंटरनली सबको पता भी है और जिसका इम्पैक्ट भी हमको इसके चार्ट पे दिखाई देना चालू हो चुका है। कोई भी खबर आने से पहले उसके चार्ट में पहले ही दोस्तों उसके एक्शन दिखना चालू हो जाते हैं। और देखिए 12 तारीख को ये अनाउंसमेंट हुई है मतलब कल के दिन, और उसके 2 दिन पहले से ही यहाँ पर आप देखें तो इसके प्राइस जो है ऊपर जाते हुए हमें दिखना चालू हो चुके हैं। अब 19 तारीख को दोस्तों इसकी बोर्ड ऑफ मीटिंग है, कब रिजल्ट आना है, डिविडेंड कितना मिलना है, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी और फिर उस दिन जो है पब्लिश होगा 19 तारीख को। और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं, और साथ ही में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं इसके डिविडेंड को तो आप देखिए मैं आ चुका हूं टिकट टैब के ऊपर और यहां पर लिखा हुआ है इंटर्म डिविडेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि अभी एक और बार डिविडेंड ये कंपनी देगी जहां पर लिखा होगा फाइनल डिविडेंड, राइट। चांसेस है कि अभी जो बोर्ड मीटिंग होगी वहां पर डिविडेंड को भी ये अनाउंस करें, और इसीलिए हमको जो इसके एक साइन बोल सकते हैं आप वो इसके चार्ट पे दिखना ऑलरेडी चालू दोस्तों हो चुके हैं। सो मेरे ख्याल से आपने जो है अगर आपने 26 में बाइंग करके रखी है या फिर आपने जिस भी लेवल पे बाइंग करके रखी हुई है वेट करिए, आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। ऑल्दो आपको ये कोरोना पेंडेमिक के खत्म होने का वेट तो करना ही है, आपको यहाँ से दोस्तों जबरदस्त एक प्रॉफिट होगा, बिल्कुल भी आपको रिग्रेट यहाँ पर नहीं मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। सो दोस्तों ये था इसका कारण ऊपर जाने का, और अब हमें क्या करना चाहिए तो मैंने आपको वो भी बता दिया है। आप चाहें तो कुछ और क्वांटिटी भी बाय करके यहाँ पर रख सकते हैं, आने वाले टाइम को आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन याद रखिए ये एक लॉन्ग टर्म का ही इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म की बात दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जब कम्प्लीटली कोरोना पैंडेमिक खत्म हो जाएगा और सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, पर उस टाइम पे आपको इस प्राइस पर ये स्टॉक नहीं मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।